योग गुरु बाबा रामदेव मध्य प्रदेश के लाहार में आयोजित कथा में शामिल हुए, जहां उन्होंने पंडोतका सरकार पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाबा रामदेव ने पंडोतका सरकार से पूछा कि आप में इतनी शक्ति कैसे आई। पंडोतका सरकार ने भी अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आप जैसे संत महात्माओं की कृपा से आई। दरअसल बाबा रामदेव और पंडोतका सरकार की ये मुलाकात भिंड के लाहार में आयोजित 7 दिवसीय कथा के दौरान हुई, जहां योग गुरु ने कहा कि मैं पिछले 40 वर्षों से ये देख रहा हूं कि अदृश्य शक्ति और सिद्धि के नाम पर लोगों ने अत्यधिक पाखंड फैला रखा है। सिद्धियां सिर्फ मंत्र से, जन से और गुरु कृपा से प्राप्त होती हैं। बाबा रामदेव ने कहा, मैंने पंडोतका सरकार से पूछा कि आपको ये सिद्धियां कहाँ से प्राप्त हुई है, और मुझे लगता है कि इनको ये सिद्धियां जरूर गुरु कृपा से प्राप्त हुई। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सकते हैं। सिद्धियों को लेकर के, शक्तियों को लेकर के, विभूतियों को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियाँ। और मैं पिछले 40-45 सालों से देख रहा हूँ कि इसमें दैवी शक्तियों के नाम पर, अदृश्य शक्तियों के नाम पर काफ़ी लोग ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास करते हैं, और इसीलिए किसी के पास में, मैंने तो अभी तक जो 3 चीजें देखी है, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से सिद्धियां मिलती है, तो 3 तरह की चीजों का तो हमने प्रत्यक्ष किया है। वहीं इस मुलाकात को लेकर पंडोतका सरकार ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे योग गुरु बाबा रामदेव जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब साधु संत का आशीर्वाद आपके सर पर होता है, तब आप पर हमेशा इसकी कृपा बनी रहती है। मुझे ये शक्तियाँ आप जैसे साधु संतों की कृपा से ही प्राप्त। जब जब पूजनों का भाग्योदय होता है, तब संतों का, महापुरुषों का, योगियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हमारे बड़े भाई का बड़ा हाथ अपने छोटे भाई पर स्नेह और आशीर्वाद से भरा प्राप्त हुआ है। इससे आज हम अपने पंडोतका सरकार की कृपा से कृतार्थ हुए हैं। जब साधु संत महापुरुष योगी जनों का हस्त हाथ पर होता है, तो भगवत कृपा प्राप्त होती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।